हेलो दोस्तों, आई होप यू डूइंग वेल। सो आज की क्लास में हम डे थ्री वाला जो टास्क हम लोग करा गया था, किसी ने कमेंट किया था, व्हाट्सएप मैसेज किया था कि उनका जो टास्क थ्री है 1.3 करने में कोई कुछ दिक्कत आ रही है। तो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं, और ये जो वीडियो है आज के लिए आप लोगों का वो मतलब ऐसे मान लीजिए लाइव क्लासेस का भी हो जाएगा, क्योंकि जो जूम मेरा है थोड़ा सा वो लाइव में दिक्कत कर रहा है। तो मैं सोचा कि आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो ही दे दूं, आप लोग उस टाइम पे देख लें, ताकि आप जो भी एक्स्ट्रा काम करते हैं या फिर जो अपना आपका जो रेगुलर काम चल रहा है वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और आपको मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा। तो देखिए, आपको जो 1.3 जो प्रैक्टिस टास्क था उसमें क्या करना था कि जो मैंने आपको जिप फाइल दिया था उसको ओपन करना है। तो मैं पहले जाता हूँ, और जो भी आप अनजिप फाइल किए थे तो मैं आप देख देख लीजिए, आपको मैंने ये फाइल शेयर किया था। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये ठीक है। तो आपको आपको ये जो ऑब्जेक्टिव वन फाइल मैंने जैसे जिप दिया था, तो अब अनजिप किए होंगे तो ऑब्जेक्टिव वन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आना है और आपको ये पावर पॉइंट 1.3 को ओपन करना है। तो मैं डबल क्लिक करूंगा और इस फाइल को कर लूंगा ओपन। ओपन कर लिया मैंने, आप देख सकते हैं ये वाइट है। तो अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और इसको भी मिनिमाइज कर लिया, और जो हमारा पहले वाला टास्क था उसको ओपन करता हूँ। करना क्या है तो आप लोगों को करना है कि पहले तो ओपन करना है प्रेजेंटेशन को, मैंने प्रेजेंटेशन ओपन कर लिया। उसके बाद अप्लाई थीम्स करना है, जो स्लाइस थीम है ये वाला स्लाइस थीम, इसको अप्लाई करना है। तो कैसे थीम्स को अप्लाई करते हैं अपने प्रेजेंटेशन में आप लोगों को दिखा दूं कि आपको क्या करना होगा। यहाँ पे जाना है डिजाइन में, डिजाइन टैब में जाने के बाद यहाँ से देखिए जो सब थीम्स हैं इस पे जैसे ही हॉवर करेंगे इस थीम्स का आपको नाम मिल जाएगा। जैसे ऑफिस थीम है, यहाँ पे जाएंगे तो ये ऑफिस थीम, ये है आपका थीम्स। तो आप जैसे इस देख सकते हैं, तो आपको क्या करना है इस बटन पे, ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद ओपन हो जाएगा। तो जिस जिस स्लाइड्स पे आप जाएंगे उसका नाम दे देगा, इंटीग्रल है ये, इसका नाम है, इसका लोन नाम है, और इसका लोन बोर्ड रूम है। तो इसी तरह ये जो है आपका नाम है स्लाइस, तो आप स्लाइस पे क्लिक करेंगे तो आपका वो स्लाइस सभी पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप करना है आप लोगों को कि ऑन द स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर को ओपन करना है। जैसे मैं स्लाइड मास्टर को ओपन करता हूँ व्यू, एंड देन स्लाइड मास्टर व्यू टैब में जाना है, उसके बाद स्लाइड मास्टर पे क्लिक करना है। स्लाइड मास्टर पे आ जाएंगे तो देखिए जो स्लाइड मास्टर है यहाँ पे क्या करना है, इस पे एक आप लोगों को इसका मैं नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको पोजीशन द इमेज ऑन द, आपको एक इमेज इंसर्ट करना है, जिस जो मैंने आपको किया उसमें इमेज का नाम है, इमेज का जो फाइल का नेम है पावर पॉइंट 1.3b ऑन द स्लाइड मास्टर, नॉट अ स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट पे नहीं, आपको क्या करना है कि इमेज फ्रॉम द प्रैक्टिस फोल्डर। तो मैं यहाँ पे गया हूँ और यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट में जाऊँगा पिक्चर दिस डिवाइस। तो मैं उस आप देख सकते हैं जिस फोल्डर में ऑब्जेक्टिव वन में यहाँ पे मेरा फाइल पड़ा, उसको इंसर्ट करूंगा। तो आपको अब बोला जाएगा कि आपको पोजिशन करना है कि ऐसे रखना है जो आपका इमेज का बॉटम ऑफ द इमेज, जो बॉटम है इमेज का वो, और टॉप ऑफ द प्लेस होल्डर, टाइटल प्लेस होल्डर का जो टॉप है वो ऐसे रहना चाहिए कि स्लाइड नंबर जो प्लेस होल्डर है उसके राइट साइड में होना चाहिए, राइट के टॉप पे। तो आपको दिखा दूं यहाँ पे ये जो है नंबर है इसके टॉप पे ऐसे बोला जा रहा है कि आपको रखना है। अब रख दिया आपने, ओके ग्रेट। उसको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ जो स्लाइड्स हैं उसको डिलीट करना है। जैसे डिलीट द नेम एंड कार्ड लेआउट, नेम और कार्ड लेआउट को डिलीट करना है। तो आप कैसे डिलीट करेंगे, तो आप जाएं वर्टिकल टाइटल एंड टेक्स्ट लेआउट भी डिलीट करना है। यहाँ पे देखिए टाइटल एंड वर्टिकल टेक्स्ट लेआउट, टाइटल एंड वर्टिकल टेक्स्ट लेआउट, यहाँ पे देखेंगे टाइटल एंड वर्टिकल टेक्स्ट लेआउट है, तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद कौन सा है, नेम कार्ड लेआउट, तो नेम कार्ड लेआउट को खोजिए, यह है क्वार्टर नेम कार्ड लेआउट, यह नेम कार्ड लेआउट, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके फिर डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद दो हो गया, उसके बाद है वर्टिकल टाइटल एंड टेक्स्ट लेआउट, वर्टिकल टाइटल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टिकल टाइटल एंड टेक्स्ट लेआउट, इसको सेट करें, राइट क्लिक डिलीट। उसके बाद टेक्स्ट लेआउट हो गया, स्लाइड्स लेआउट्स, तो ये इन्हीं सबको डिलीट करना था, हो गया तीनों डिलीट। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप
यहाँ पे आना है पॉइंट टू ईच, जो 1 to 4 पे स्लाइड्स पे प्रेजेंटेशन पे लगा हुआ है उसको डुप्लीकेट करना है। तो मेरे पे यही लगा हुआ है, आपको दिखा दो यहाँ पे होम पे सॉरी, इसको स्लाइड मास्टर को क्लोज करता हूँ पहले, तो आप देख सकते हैं वो चीज़ है क्योंकि ये सभी पे लगा हुआ, क्योंकि सभी स्लाइड एक ही है, एक ही लेआउट यूज कर रहे हैं। तो मैं दिखा देता हूँ, तो ये लेआउट यहाँ पे देख सकते हैं जो टाइटल है ये सिलेक्टेड है और तो वही यूज है। तो अब आपको क्या करना है, व्यू में आना है, स्लाइड मास्टर पे आना है, उसके बाद इसको सिलेक्ट रखना है, इसको करना है डुप्लीकेट, आपको करना है डुप्लीकेट। जैसे ही डुप्लीकेट करेंगे तो आपको फर्स्ट वाले पे से क्या करना है, इसको डिलीट करना है, इस फर्स्ट सॉरी 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 ये जो फर्स्ट वाला पे लगा हुआ है उसपे से डिलीट कर लेना है, और जो आपने नया बनाया है इसमें क्या करना है, आपको जो बैकग्राउंड ग्राफिक्स है उसको हाइड कर देना है। तो बैकग्राउंड ग्राफिक्स हाइड करने के लिए आपको इसी में मिल जाएगा हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, इस पर क्लिक कर देंगे तो बैकग्राउंड ग्राफिक्स हाइड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जा करके इसको ऊपर कर देना है, इसको करना है ऊपर, और यहाँ से इसको करना है जस्ट नीचे। और यहाँ पे आपको बोला बोला गया है कि आपको क्या करना है, ऑन द रीनेम द डुप्लीकेट माई स्लाइड, जो मैंने ये स्लाइड बनाया इसका रीनेम करना है इसको। तो यहाँ पे जाएंगे रीनेम लेआउट और यहाँ पे लिख देंगे माई स्लाइड्स रीनेम। हो गया, ये काम हो गया, ये भी काम भी हमने कर लिया, प्लेस होल्डर को वो स्विच करना था, यानी कि जो एक दूसरे के जगह पे उसको चेंज करना था, तो मैंने इसको इसके जगह पे इसको जगह पे चेंज कर दिया। उसके बाद है बैकग्राउंड ग्राफिक्स हाइड ही मैंने कर दिया, उसके बाद इसको करना है आपको क्लोज। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ग्राफिक्स हाइड हो गया। अब क्या करना है कि ये जो सेकेंड है यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसके बाद डिस्प्ले द, ये काम करना है यहाँ से, ये जो काम करना है आप लोगों को उसमें क्या करना है, डिस्प्ले स्लाइड्स 1 to 4 वेरीफाई द बैकग्राउंड ग्राफिक्स इज हिडन। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ग्राफिक्स हाइड है कि नहीं है, तो हाइड नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अप्लाई द माय स्लाइड्स लेआउट टू स्लाइड्स नंबर 2 पे अप्लाई करना है, जो अपने स्लाइड पे, तो राइट क्लिक लेआउट और जो आपने माय स्लाइड्स बनाया है इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड ग्राफिक्स हाइड हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद जब ये चीज आप कर लें तो कंट्रोल सेव कर लें, उसके बाद आपको जाना है फोल्डर में और जो यहाँ पे जो 1.3 रिजल्ट है उसको ओपन करना है। तो मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लिया, तो आप देख सकते हैं सेम टू सेम हो गया है। ठीक है, आप राइट क्लिक करेंगे लेआउट माय स्लाइड्स लेआउट, तो इसमें थोड़ा सा मेरे को दिक्कत लग रहा है, मैं आपको दिखा दूं कि जो हम लोगों ने किया है कि ये उसने किया गया है थोड़ा सा चेंजिंग, कि मैं स्लाइड मास्टर में आ जाता हूँ, उसने क्या किया गया है, यहाँ से इस पे जो है इस पे वो हाइड बैकग्राउंड्स किए हैं और इस पे नहीं किए हैं। तो ऐसा थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि जो मैंने डुप्लीकेट स्लाइड किया था उसपे नहीं, जो पहले वाला था उस पे बैकग्राउंड्स को हाइड करना था, तो मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया था, तो आप उसको चेंज कर लेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं सेम टू सेम जो रिजल्ट वाला फोल्डर है, आप देख सकते हैं 1.3 रिजल्ट जो है वो अब हमारे जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया एकदम बिल्कुल सेम है। तो अभी रिजल्ट पे जा करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए सेम है सेम। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, आप इस वीडियो को दोबारा करके भी देख सकते हैं और आप पूरे स्टेप्स को कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।